हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो कैपेसिटेंस निकालनी है हमें स्फेरिकल कैपेसिटर की, ठीक है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे होते हैं, इस तरीके से बनेगा स्फीयर एक, ठीक है। स्फीयर आपको पता ही है जैसी फुटबॉल होती है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है और इसमें यहाँ पर चार्ज सारे में स्टोर्ड है, ठीक, सारे में, पूरे में चार्ज स्टोर्ड है, ठीक है। अब ये जो पूरा चार्ज है, मैंने कहा ये प्लस का क्यू है, क्या है ये प्लस क्यू, मैंने यहाँ लिखा भी है लेट क्यू बी द चार्ज स्टोर ऑन इट, क्लियर। और जैसे ये पूरा चार्ज है, क्यू है आपके पास, ठीक है, तो उसकी पूरी चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे सेंटर पे मेन रहेगा, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा चार्ज है कहाँ पर है, सेंटर पे सिचुएटेड है, तो ये सारे में ही फैला हुआ, लेकिन मैंने कहा इसका जो पूरा इन्फ्लुएंस है वो कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, क्लियर इतनी बात, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है स्फेरिकल कैपेसिटर की वो कितनी है, आर है, तो सेंटर से ये दूरी हो गई आर, क्लियर, यही लिखा है मैंने। लेट एन स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग रेडियस आर, रेडियस जिसकी कितनी है, आर है, और क्यू बी द चार्ज स्टोर्ड ऑन इट, क्लियर। तो अब हमें क्या निकालनी है, इसमें कैपेसिटेंस निकालनी है, तो वो देखो कैसे निकालेंगे। वी नो दैट जो कैपेसिटेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल होता है, ठीक है। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब जो ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल की वैल्यू हमें चाहिए, पोटेंशियल की वैल्यू किस चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, कहाँ तक, इस पॉइंट तक जहाँ ये दूरी है आर, ये वाला, इसको पी पॉइंट मान लो चाहे, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल चाहिए, किस पे, ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू, और सभी पे वही रहने वाला है, ठीक है। तो एक पॉइंट का निकालते हैं हम यहाँ पर, ठीक। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर, क्लियर। और V का फॉर्मूला आपको पता है पोटेंशियल का क्या होता है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूरी कितनी है R है, और Q कौन सा चार्ज, ये वाला चार्ज है, क्लियर। इसको कर लो सेकेंड, पुट सेकेंड इन फर्स्ट, इसको इसमें पुट करो तो कैपेसिटेंस आ जाएगी, देखो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q ऊपर ऑलरेडी है, ठीक, ये वाला Q ऊपर ऑलरेडी था, V की वैल्यू ये रही, तो V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और वो ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आया है वो कैपेसिटेंस कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये फॉर्मूला रहेगा किसमें, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का, क्लियर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया हमारे पास, क्लियर है इतनी बात या नहीं है, समझ रहे हो ना ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये जब आपके पास वैल्यू आ गई, ये ध्यान में रखना, ये फ्री स्पेस के लिए है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट लगा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट कहाँ होता है, फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस क्या है, जब ये इसके अंदर क्या है आपके पास, एयर भी है, क्लियर, कोई मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं है, कोई और मटेरियल नहीं डाला हुआ हमने अंदर, अंदर एयर है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। नोट करके कुछ पॉइंट है, ये मेन पॉइंट रहने वाले हैं इसमें, देखो इसी फॉर्मूले से क्या मुझे ये पता चल रहा है कि C जो है वो डायरेक्टिव पोर्शन है R के, क्योंकि 4 पे एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, तो C हो गया डायरेक्टिव पोर्शन टू किसके, R के। तो जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतनी ज़्यादा क्या होने वाली है, कैपेसिटेंस होने वाली है, क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतना ज़्यादा चार्ज होगा, और चार्ज ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि C का फॉर्मूला ही क्या था, क्यू बाय वी, चार्ज के डायरेक्टली भी है ये, ठीक है ना। तो चार्ज ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, चार्ज ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्लियर है इतनी कहानी या नहीं है, ठीक है। तो मेनली आपको क्या बात करनी है यहाँ पर, कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो R अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है बताओ, R अगर ज़्यादा है तो रेडियस ज़्यादा है, बड़ा होगा स्फीयर, चार्ज ज़्यादा आएगा उसके अंदर, तो कैपेसिटेंस आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए है, जितना बड़ा रेडियस उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा, क्लियर। अब जो मैं आपको कह रहा था कि ये तो मीडियम की बात, ये तो एयर की बात हो रही थी, ठीक है। अगर इसमें कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें, मीडियम इंट्रोड्यूस करने में हम बोलते हैं कि कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है इसको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर, ठीक है। अभी डाइलेक्ट्रिक आप ये समझ लो कि किसी और मटेरियल को आपने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई और मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया इंस्टेड ऑफ एयर, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। जब ये इंट्रोड्यूस करेंगे तब क्या होने वाला है, तो देखो ये सी था, सी का फॉर्मूला था, तो जब किसी मीडियम की बात होगी तो फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम आ जाएगा, मतलब ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो यहाँ मीडियम लगाया तो मैं इसको भी मीडियम में लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। यहाँ सी आपका सोच रहे होंगे एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ भी सी नॉट लिख देते, नहीं जरूरत नहीं है, सिंपल सी मतलब ही क्या होता है, फ्री स्पेस के लिए, जहाँ स्पेशली सी एम लिखा होगा तो मतलब क्या है, ये कैपेसिटेंस इन
मीडियम के लिए कहानी क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। तो देखो, अगर आपको याद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ फॉर्मूला था हमारे पास, वो क्या फॉर्मूला था बताओ जरा, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट आया था। क्या था ये? परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या एप्सिलॉन एम की वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्या आ जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, ठीक। और इस वैल्यू को यहाँ पर अगर हम पुट करें तो देखो सी एम फोर, ये जो एप्सिलॉन एम है इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ, तो देखो कितनी आएगी, 4 पाई और के एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ गई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिख दूँ कि के यहाँ पहले लिख दूँ, के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देखो एक रिलेशन बनेगा हमारे पास, देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आर है ये किसकी वैल्यू है, फ्री स्पेस वाले सी की वैल्यू है, तो वो मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो सी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के, और ये वैल्यू क्या है, सी की है। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर होती है, क्या, कि जो कैपेसिटेंस इन मीडियम होगा वो हमेशा के टाइम्स होगा कैपेसिटेंस ऑफ फ्री स्पेस से। मतलब क्या होगा इसका, कि कैपेसिटेंस जो किसी मीडियम के लिए अगर हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होने वाला है, कितना ज़्यादा होने वाला है, वो के टाइम्स ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस से। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं, ठीक है ना। देखो ना सी में कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये ज़्यादा ही होने वाला है सिस्टम, या नहीं, क्लियर है इतनी का बात या नहीं है बताओ। तो इसको यहाँ लिख भी देते हैं हम, यहाँ पर लिख देता हूँ देखो मैं, कैपेसिटेंस इन अ मीडियम इज ऑलवेज के टाइम्स द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, ठीक है, रहेगा ये याद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतने पार्ट में, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में कुछ नहीं है, मैं यहाँ से डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो ये के था इसकी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में मैं क्या करूँगा, के की जो वैल्यू है वो इस तरीके से लिखूँगा सी एम बाय सी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, अब ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का, जैसे यहाँ पर था हमारे पास एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट भी था, तो एक नया पता चला आपको, सी एम बाय सी भी हो जाएगा, कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हियर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, पहला क्या था, सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, और फिर हमारे पास अगर मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, के टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस होती है, ठीक है। और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का एक नया फॉर्मूला पता चला हमें, कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, क्लियर है बात, ठीक है। तो आसान सा टॉपिक था तो इसको अच्छे से कर लेना आप, ठीक है, ओके जी, थैंक यू।